देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गोरखपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि अभी तक गोरखपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। इसके बाद भी यहां चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में शहर में आने वाले लोगों को नौसड़ चौराहे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मनाही के बाद भी कुछ मनमर लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के साथ कड़ाई के साथ पेश आ रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे शहर के हर गली और चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गोरखपुर की जनता पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रही है। SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, गोरखपुर में 24 तारीख से नहीं बल्कि 22 तारीख से चल रहा है और आज 24 दिन हो चुके हैं, 25वां दिन है। और मुझे लगता है गोरखपुर वासियों ने बहुत अच्छे से इसको अनुपालन किया है और लोग अभी भी समझदार हैं। और गोरखपुर में अभी तक के कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं निकला है। और मैं इस सब के लिए यहाँ के लोगों को, प्रशासन को, सभी लोग इसको टीम वर्क की तरह ले रहे हैं। और लोगों से यही गुजारिश है कि जो इसके दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन के, उस पर पालन करें, पुलिस को सख्ती करने पर मजबूर ना करें। और पुलिस अपना काम कर रही है और लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।